उस प्रस्ताव में संशोधन की बात कही गई, क्या कहेंगे उस पर? एक मुझे जानकारी नहीं, आपने जैसे बताया कि कोई प्रस्ताव आया है सरकार लिंग अनुरोध करने के लिए, आधे अधूरे प्रस्ताव किसान संगठनों के पास भेजेगी ताकि इसको लंबा किया जा सके। अगर सरकार की नीयत साफ है तो फिर केंद्र की सरकार को ये तीनों जो कृषि के कानून बनाए गए, जो किसान का एक डेथ वारंट जो तैयार किया गया जिस पे साइन किए गए, उसको वापस लेना चाहिए। सर, जो किसानों का साथ नहीं दे रहा, उन नेताओं के सामाजिक बहिष्कार की बात हो रही है, चाहे दुष्यंत चौटाला की या रंजीत चौटाला की बात हो, रवि चौटाला जी ने ऐसा बयान दिया, क्या कहेंगे आप? जो किसान के घर में पैदा हुआ है और जो किसान के वोट की वजह से चुन करके लोकसभा विधानसभा में आए, अगर आज वो उसकी बात को नहीं मानेगा तो अगली बारी लोकसभा और विधानसभा का मेंबर बनना दूर की बात है, गांव का पंच भी नहीं बन पाएगा। बहुत सारे विधायक अब किसानों के समर्थन में इस्तीफा देने की बात भी आ रही है, कह रहे हैं कि इस्तीफा। अगर किसान संगठन मिलकर के ये कहे कि सब उन राजनेताओं को इस्तीफा देना चाहिए जो हमारे वोट से चुन करके विधानसभा और लोकसभा के सदस्य बने हैं, तो अभय सिंह चौटाला का इस्तीफा सबसे पहले आएगा। बहुत किसान क्या लगता है जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कैसे किसी भी एजिटेशन को कमजोर करने के लिए उसको लिंगरोन करने का काम करती है और लिंगरोन करने का भी तरीका ढूंढती है। पहले 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई, पहले कहा कि आप इनसे बातचीत करो, और जब उनके सामने किसान ने सीधे रूप से एक बात रख दी कि यस और नो में बात करो, तो फिर अमित शाह जी की जिम्मेवारी लगा दी कि आप बुला करके बात करो। मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, क्योंकि उसकी सोच पहले दिन से ये रही है कि किसी तरीके से इस देश का 70% जो अन्नदाता है उसको कमजोर कर लिया जाए। हिंदू और मुसलमान का कार्ड इनका खत्म हो चुका है, सिख और हिंदू की बात खत्म हो चुकी है, आज तो देश के किसान को कमजोर करके कहीं अगला दाव लगाने की फिराक में है। पूंजीपति के माध्यम से इस देश पे राज करना चाहती है, लेकिन इस देश का 70% अन्नदाता जो है बीजेपी को सबक सिखाएगा और घुटनों पे बढ़ लिया करके मजबूत करने का काम करेगा। सरकार को किसान की बात को मानना पड़ेगा। तो हरियाणा में उनको रोका गया, उसको आप कैसे देखते हैं? मुकदमे दर्ज किए गए, मुकदमे भी दर्ज किए गए। किसान जो है दिल्ली किसान की है, दिल्ली किसी की बेपोती नहीं है। अगर आज इस देश का किसान दिल्ली को दूध की सप्लाई बंद कर दे, सब्जी की सप्लाई बंद कर दे, अनाज और धान की सप्लाई बंद कर दे, तो दिल्ली में बैठे लोग जो आज कहीं इनके द्वारा चुन करके भेजे गए, उनको शाम को इस बात को समझ आ जाए। जिस तरह से किसानों पे मुकदमे बढ़ा करके उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, अनेक दफा सरकार ने जिस तरह से मुकदमे बढ़ाए दबाने की कोशिश करी, लेकिन मजबूर होकर के मुकदमे वापस लेने पड़े। अब भी 100% सरकार को मुकदमे भी वापस लेने पड़ेंगे, 100 प्याज भी खाएगी, 100 जूते भी खाने का काम करेगी। क्या सर बुराड़ी को जलियांवाला बाग बनाने का इरादा था क्या? भारतीय जनता पार्टी की सोच है, लेकिन मैं बधाई देता हूँ यहाँ जितने भी किसान साथी आए हुए हैं, जो लाखों की संख्या में जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, जो कई कई किलोमीटर तक अपने साधनों में अपनी क्यों कहते हुए बैठे हुए हैं, जिस शांतप्रिय तरीके से उन्होंने सेजिटेशन को चलाया, मैं उसको उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि सरकार किसान की बात को जल्द माने। सर, आज एक प्रस्ताव भेजा गया है सरकार ने किसान नेताओं के पास लेकर के आएंगे, ताकि वो लोग सामने आ सके जो कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं लेकिन रहते सरकार के साथ। मैं यहाँ पे कोई भी राजनीति नहीं करना चाहता। आपका सवाल इस किस्म का है, कांग्रेस पार्टी जो है, आप हुड्डा साहब से केवल एक बात पूछ ले कि जिस दिन विधानसभा के अंदर सरकार की तरफ से प्रस्ताव लिया गया था उस दिन वॉकआउट क्यों किया, उस दिन किसान के पक्ष जो है विधानसभा में क्यों नहीं रखा?
उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है विश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लेकर गया? मैंने स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण दोनों से ये बात कही थी कि आप हाउस छोड़कर के मत जाओ, आपको हमारे साथ यहाँ बैठना चाहिए और हमें किसान का पक्ष सरकार के सामने रखना चाहिए, सरकार को मजबूर करना चाहिए। ये लोग तो उसी वक्त हाउस छोड़ करके चले गए थे, लेकिन मैंने अपनी बात ठोक करके किसान के पक्ष को सरकार के सामने रखा और जब सरकार मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे पाई तो फिर मैं वॉकआउट करके आया।